नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस। नॉर्मली पिज़्ज़ा सॉस बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। टमाटर को पहले ब्लांच करना पड़ता है, उसके छिलके निकालने पड़ते हैं, बहुत लंबी सी प्रोसेस होती है। एक बहुत ही आसान तरीके से मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाया है तो जल्दी से बन जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो टमाटर सॉस तो सबके घर में जनरली होता ही है, तो ये मैंने एक बड़ा बाउल ये टमाटर का सॉस लिया और ये हल्का सा मीठा होता है, पर पिज़्ज़ा हम खाते हैं तो थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है, तो उसको टेस्टी बनाने के लिए मैंने टमाटर सॉस ले लिया है। और एक बड़ा प्याज बिल्कुल बारीक काटा हुआ है, आप देख सकते हो कि बहुत बारीक काटा है। और गार्लिक भी लिया है, लगभग 10 से 15 कली होगी, या आप अपने टेस्ट के अनुसार कम भी कर सकते हो, लेकिन गार्लिक बहुत अच्छा लगता है इसमें, इसलिए मैंने ज़्यादा लिया है और बिल्कुल बारीक काटा हुआ है। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा अदरक लिया हुआ, लगभग आधा इंच का टुकड़ा, इसे भी बारीक काट लिया है, चाहे तो आप कद्दूकस भी कर सकते हो। टेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा बटर लिया हुआ है, चाहे तो आप ऑयल भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और चिली फ्लेक्स डालूंगी और उसमें लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो टमाटर सॉस होता है मीठा सा होता है, तो जितना आप स्पाइसी चाहते हो उतना आप मिर्च डाल सकते हो। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रख दी है और उसमें मैं ये बटर डाल दूंगी, क्योंकि इसे गर्म नहीं होने देंगे, क्योंकि ऑयल डालना पड़ेगा अगर जलता है साथ में। तो साथ ही मैं इसमें गार्लिक डाल दूंगी और मिक्स कर देती हूँ, तो साथ में गर्म भी होगा और गार्लिक भी भूनता जाएगा। और प्याज भी डाल दूंगी और बिल्कुल धीमी आंच रखनी है, हमें अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, लगातार चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में, जब तक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए, थोड़ा सा भुन जाएगा, उसके बाद में इसमें अदरक डालूंगी। अभी प्याज और लहसुन को ही भूनने देंगे बिल्कुल धीमी आंच पे। ये देखिए, धीमी आंच पे मैंने प्याज और लहसुन को भून लिया है और उसको लगातार चलाते रही हूँ मैं, और बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब मैं इसमें अदरक डाल दूंगी, साथ ही मिर्च और नमक भी डाल दूंगी। अदरक डाल दिया है, बिल्कुल बारीक काटा है, और मिर्च पाउडर भी डाल दूंगी, चिली फ्लेक्स बाद में डालूंगी, और इसमें नमक डाल दूंगी। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगभग 2 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पे भून लेंगे, ताकि अदरक भी भून जाए और मिर्च भी अच्छे से भून जाए। पिज़्ज़ा सॉस में नॉर्मली जैसे ऑरिगैनो ये सब डलता है, जिससे और भी टेस्टी बनता है, पर मैंने ये बहुत ही सिंपल सा बनाया है कि आप घर पे जो चीज़ें होती है उससे एक पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर सकते हो। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया, थोड़ा सा भुनने देती हूँ। मिर्च और अदरक नमक डालने के बाद में बिल्कुल कम आँच से मैंने 2 मिनट भून लिया है, और अच्छे से भून चुका है हमारा ये मसाला। तो मैं इसमें ये टमाटर सॉस डाल दूँगी, और टमाटर सॉस को पकाने की ज़रूरत तो है नहीं, बस 1 मिनट के लिए रखूँगी, और इसमें ये चिली फ्लेक्स डाल दूँगी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस अब मिर्च का ध्यान आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कितना आपको स्पाइसी चाहिए। ये देखिए, हमारा पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो गया है, और गार्लिक का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। तो आप एकदम ज़्यादा ना भूने गार्लिक को, हल्का हल्का सा टेस्ट बहुत अच्छा आता है उसमें। ये देखिए, हमारा पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो गया, बिल्कुल धीमी आंच पे 1 मिनट रहने देती हूँ ऐसे ही, उसके बाद गैस ऑफ कर देंगे। ये देखिए, 1 मिनट हो गया है, ये अच्छे से सब कुछ मिक्स भी हो गया और हमारा पिज़्ज़ा सॉस खाने के लिए तैयार है। इसके बाद मैं इसे सर्व करती हूँ। इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस बनके तैयार है खाने के लिए, और आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है, हमें बाहर से कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। टमाटर सॉस जनरली सबके घर में होता है, तो आप बहुत ही आसान तरीके से इसे बना सकते हो। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग है, ऑरिगैनो है, तो आप इसको उसे भी डाल दीजिए, उससे और टेस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका है, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप पिज़्ज़ा बना रहे हो उस पर ही लगाएं, आप इसे रोटी, पराठा, समोसा, पकौड़ों के साथ भी खा सकते हो। कितनी आसान सी चटनी है जो जल्दी से बना सकते हो, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए।
इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस जो मैंने बनाया है, तो इसमें मैंने लहसुन और प्याज भी डाला है। जनरली टमाटर सॉस को हम बाहर भी रखते हैं या फ्रिज में भी रखते हैं, लेकिन इसमें लहसुन और प्याज डालने से आप इसे 1 से 2 दिन तो बाहर रख सकते हो, और ठंड के दिन में 2 से 3 दिन से ज़्यादा भी रख सकते हो। लेकिन उसके बाद आप इसे फ्रिज में रख के लगभग 10 से 15 दिन तो आराम से यूज़ कर सकते हो। तो आप इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताना ना भूले कि इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी आपको कैसी लगी, या इंस्टेंट लहसुन प्याज और टमाटर सॉस की चटनी आपको कैसी लगी। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।